हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं स्वागत करती हूं आप सभी को मैं अपने होम में। तो अभी सुबह सुबह उठकर सारे कामों को कंप्लीट करने के बाद मैं यहां पर सूर्य भगवान को जल चढ़ा रही हूं। दो तीन फ्रेंड्स लोगों ने मुझसे कहा है कि आप सूर्य भगवान की कैसे पूजा करते हैं, तुलसी माँ की कैसे पूजा करते हैं, घर में कैसे पूजा करते हैं। तो घर में जो भी पूजा मैं पाठ मैं करूँगी मैं विस्तार से आप लोगों को बता ही दूँगी। ये श्रद्धा ऊपर है, मैं सबके के लिए तो नहीं लेकिन खुद के बारे में मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कैसे पूजा करती हूं अपने घर में, अपने तुलसी माँ को, सूर्य भगवान को कैसे जल अर्पण करती हूं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी एक वीडियो अच्छे से बनाकर, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो, आप लोगों को भी पता चले कि मैं कैसे अपने घर में काम करती हूँ, कैसे पूजा पाठ करती हूँ। मैं पूजा पाठ के तौर पर मैं तो यही कहूँगी कि श्रद्धा के ऊपर ये पूजा पाठ होती है। ना ही मैं पंडित हूँ ना ही ज्योतिषी हूँ कि उतनी जानकारी मुझे है, लेकिन हाँ जितना भी जानकारी है बस मुझे इतना पता है कि मुझे विश्वास है कि भगवान सभी जगह होते हैं और भगवान की पूजा अर्चना मैं अपने दिल से ज़रूर करती हूँ। तो घर में भी पूजा पाठ मेरा हो गया है और बाहर भी तुलसी माँ सूर्य भगवान पर जल मैंने चढ़ा दिया है। मैं सिंपल सा पूजा करती हूँ, जो भी जैसा भी मैं करती हूँ मैं ज़रूर इसका वीडियो बनाऊँगी और आप तक पहुँचाऊँगी। हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज लास्ट काम मेरा हो ही गया, आ गया। एक हफ्ता लगा था मेरा गूगल एडसेंस आने में, तो आज फाइनल मेरा गूगल एडसन आ गया है। तो ये लास्ट काम भी मेरा हो गया है कंप्लीट, तो बहुत खुशी हुई आज। और अभी सुबह का काम सारा काम हो गया है, पूजा पाठ मैंने कर लिए हैं, सभी परिवार अभी घर पर है, सभी स्नान ध्यान मतलब स्नान कर रहे हैं, सभी स्नान ध्यान हो रहा है सबका। तो जा रहे हैं अभी नाश्ता देंगे। यहाँ पर सभी मैंने बिछौना वगैरह को सभी को हटा दिया है इस फोल्डिंग पर से। और यहाँ पर ना अभी देवर जी सो रहे हैं, तो ये जो है अभी देवर जी तो काम पर चले गए हैं, तो ये फोल्डिंग बाहर हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये जो फोल्डिंग है ना मैं बाहर निकाल कर गेहूँ पसारने वाली हूँ। तो ये हस्बैंड जी और छोटा वाला बेटा है जो दोनों मिलकर फोल्डिंग को बाहर कर रहे हैं। और अभी थोड़ा सा सूखा मतलब गेहूं तो सूख गया है लेकिन थोड़ा मोड़ा अभी कच्चापन दिख रहा है, तो इसे मैं अभी पसार दूंगी बाहर फिर से आज भर, तो आज सूख जाएंगे दिन भर में। वैसे भी धूप बहुत कड़ा है, अगर छत होता ना तो पसार देती तो एक दिन में पूरा सूख जाता, लेकिन थोड़ा इस पर ना खटिया पर सूखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है मतलब इस फोल्डिंग पर। तो अभी रखवा दिए हैं हस्बैंड जी, रख दिए हैं ऊपर टांग कर, अब मैं पसार दे। घर में हस्बैंड जी बच्चे होते हैं तो थोड़ा मोड़ा काम आसान हो जाता है। तो गेहूं पसारने के बाद आ गई हूँ, नाश्ता बनाएंगी यहाँ पर। तो नाश्ते में मैंने यहाँ पर काट रखा है करेला, जो कि मेरी तो फेवरेट है। तो करेला की भुजिया ही बनाएंगे, सिंपल सा भुजिया और रोटी बना देते हैं। वैसे तो नाश्ता बच्चों का हो गया है, केला और चना गुड़ था जो कि नाश्ता सभी ने कर ली है, फिर भी
गुड़ और चना नाश्ता करने के बाद सभी चल जाते हैं कोचिंग वगैरह, और इसके बाद आएंगे तो यही इसका नाश्ता करेंगे एक घंटा बाद। तो अभी रोटी भुजिया बना देते हैं, इसके बाद 12 बजे 1 बजे खाना बनाते हैं हम। तो अभी रोटी भुजिया बना देते हैं और आप लोगों को ना आज अपने पूरे परिवार से मिलवाते हैं। चलिए, ये है मेरा बड़ा बेटा जो कि कैमरे के सामने उतना आना नहीं चाहता, लेकिन शर्त लगाया था ना, तो आज हार गया मेरे शर्त में, तो उसको आना पड़ रहा है यहाँ पर, और लेकर आ रही हूँ सामने इसको। यही है हमारा बड़ा बेटा। कुछ फ्रेंड्स ने ये कहा था कि अपने पूरे परिवार से मिलवाओ, तो ये है मेरा बड़ा बेटा और सभी से आप लोगों को मिलाते हैं। ये है हमारा बड़ा बेटा हर्षराज, ये है हसबैंड जी, ये हसबैंड जी, हम दिखा चुके हैं, ये हसबैंड जी वो बड़ा बेटा, और उधर वाले छोटा बेटा, अभी कोचिंग जा रहा है। कोई नहीं आता है, आ गया सर, इनसे तो मिल ही लिए हैं, ये है हमारे हस्बैंड जी, आ गया सर, तो आ गया होगा, बाय हाय बाय। यही है हमारा छोटा सा परिवार, वैसे तो बहुत बड़ा परिवार है हमारा, लेकिन अभी यहाँ पर पटना में हम लोग चार ही जन रहते फैमिली बस, बाकी सब गांव में रहते हैं। जैसे कि मंझले देवर जो आए हैं, आप लोगों को दिखाए हैं वीडियो में, मंझले देवर आए थे यहाँ पर, तो अभी हैं मंझले देवर, एक दो रोज़ में गाँव चले जाएँगे, कुछ काम से आए थे, तो उनको काम हो जाएगा तो फिर यहाँ से चले जाएँगे। तो गाँव में ही खेती बाड़ी होता है, खेती बाड़ी भी है, और हर्ष के दादाजी रहते हैं वहीं पर, रिटायर हो गए हैं, सरकारी नौकरी थी उनकी तो रिटायर हो गए हैं, तो गांव पर ही रहते हैं और खेती बाड़ी भी संभालते हैं। तो आप लोगों को ससुराल ब्लॉग भी मैंने दिखाया है, और ससुराल ब्लॉग पूरा घर भी मैंने दिखाया है, तो आप लोग चाहो तो मेरा पीछे के वीडियो आप लोग देख सकते हो कि कैसा मेरा ससुराल है। छठ व्रत में हम लोग पूरा परिवार एक साथ जाते हैं, गाँव में रहते हैं और छठ व्रत भी करते हैं सभी। तो इसका जो ससुराल का ब्लॉग तो मैं तो ज़रूर दिखाऊंगी, वहाँ कैसे छोड़ूंगी, जाऊंगी तब मैं ज़रूर दिखाऊंगी, बहुत बड़ा परिवार है, तो फ़िलहाल तो हम लोग छोटा ही यहाँ पर रहते हैं। और ये है रसगुल्ले जा रहे बनाने, आज गूगल एडसन आ गया है ना, तो उसकी खुशी में आज रसगुल्ले बना के खिलाते हैं सभी को। गुलाब जामुन का जो पाउडर होता है बहुत ही आसानी से मिल जाता है बाज़ार में, तो वही पाउडर मैंने मंगा लिया है, और उसे एक बर्तन में निकाल कर और दूध से मैं इसे इस तरह से गूँथ लूँगी, पूरे अच्छे से गूँथूँगी डाल डाल के वो दूध, तो इस तरह से पूरा अच्छे से गूँथने से ये होता है ना कि थोड़ा मुलायम होते रसगुल्ले, फटते वगैरह नहीं हैं, तो इस तरह से मेरा हो गया। और दूध से ना, दूध डालो तो पहले तो गीला लगेगा, लेकिन सानते सानते ना ये फिर नॉर्मली पूरा मतलब जितना दूध आपने डाला है ना सब सूख जाता है, तो अच्छे से ये मुलायम गूँथ गया है। और इस तरह से गोल गोल हथेलियों में थोड़ा सा तेल लेकर, घी ले सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, और अच्छे से इस तरह से कर लेती हूँ गोल गोल गोल, और करके इस एक थाली में रख लेते हैं। तो बस हो गया तैयार हमारा रसगुल्ले, ये देखिए रसगुल्ले मतलब गोल गोल तैयार कर लिए हैं, सारा रसगुल्ला तैयार हो गया है, बस एक बर्तन को चढ़ा देना है, और ऐसे गिलास से दो गिलास इसमें मैंने पानी डाल दूंगी नाप कर। तो ये जो गिलास है ना पाव भर का है, पाव भर का 250 ग्राम का गिलास है, इसे दो गिलास मैंने पानी डाल दिया है, और चीनी थोड़ा मीठा हम लोग कम खाते हैं तो थोड़ा सा हल्का कम ही मैंने यहाँ पर चीनी डाल दिया है, और इसे 5-10 मिनट के लिए अच्छे से खौलाएंगे धीमी आंच पर, और इस तरह से जब खौल जाएगा तो इसे उतार कर रख दिए हैं, और बस बहुत ही आसान रसगुल्ला बनाना है, ये तो कोई भी बना लेता है। तो इसके बाद यहाँ पर जितने रसगुल्ले थे रिफाइंड ऑयल में या फिर आप घी में भी छान सकते हैं, क्योंकि कितने लोग घी में भी खाते हैं, क्योंकि थोड़ा घी वाले थोड़ा शरीर के लिए सेहत के लिए सही रहता है, और ये रिफाइंड ऑयल है, इतने महंगे कि मैं छानेंगे तो उतना नहीं हो पाएगा, तो चलिए रिफाइंड ऑयल में भी छनाता है।
जब ये भूनते भूनते रेड कलर हो जाए तो इसे निकाल लेंगे इस तरह से। चाशनी पूरा गरम चाशनी में बिल्कुल भी रसगुल्ले को नहीं डालना चाहिए, नहीं तो फिर रसगुल्ले क्या होते हैं, गलक जैसे गलक जाते हैं बहुत जल्दी। और थोड़ा सा हल्का गर्म रहना चाहिए, बस उसमें डाल दीजिए, बस हो गया हमारा तैयार। 10 मिनट में पूरा खिले खिले हो जाते हैं, ये देखिए। ये खाओ तुरंत खाओ, मतलब बनाओ तुरंत खाओ, ऐसा रसगुल्ला है ये काला जामुन। तो चलिए इसमें देखिए कितना पानी, अभी रस है नीचे में, ऊपर खिलकर आ चुका है लेकिन नीचे में रस अभी है। तो बनकर तैयार है हमारा खिला खिला गुलाब जामुन तैयार है। तो इस पर गार्निश के लिए थोड़ा सा इसमें पिस्ता बादाम डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर पिस्ता बादाम नहीं डाला, यहाँ पर काजू मेरे पास थे तो काजू भी डाल दिया ऊपर से इस तरह से। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और रसगुल्ला पसंद आए तो आ जाइए हमारे यहाँ खाने। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, गुड डे।